अब टाइम आ चुका है कि आप सभी लोग वेलकम करें योर हाइनेस का। क्लासिक रेट्रो सिर्फ लुक के मामले में, बाकी सारी जो इसमें जरूरत की चीजें होती है वो सब कुछ दी गई है। किसी भी वीडियो या किसी भी रिव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, डोंट बाय बिफोर वॉचिंग। यानी वीडियो पूरा देख लीजिए एंड उसी के बाद फैसला लीजिए कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी जो है ना, बहुत भयंकर कंपटीशन हो चुका है आपके रेट्रो क्लासिक बाइक्स में। पहले क्या होता था ना, बहुत ऐसे लिमिटेड ब्रांड्स थे जो रेट्रो क्लासिक कम्यूटर टाइप के बाइक्स में आते थे, जो आपके क्रूजिंग के काम भी आ जाते थे, डेली ऑफिस लाइफ के काम भी आ जाते थे। बट अब क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स जो है अब इस 350 सीसी की ऐसे सेगमेंट में आ रहे हैं जो आपको रेट्रो क्लासिक ज़बरदस्त मॉडर्न लुक देता है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि ऐसे बाइक्स में नहीं मिलती, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ एंड बहुत कुछ। भैया ऐसा करते हैं, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, ठीक है। वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल दोस्तों। आज आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन बाइक्स के बारे में बताने के लिए। सो ये एक पूरा डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊँ आपको, दिस इज़ डीलक्स, दो वेरियंट में आता है, दिस इज़ डीलक्स एंड दिस इज़ डीलक्स प्रो। कूल, दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता दूंगा। सबसे पहले प्राइस डिफरेंस बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का भाई। ये जो है 5,000 रुपये महंगा रहने वाला है, जो अपना डीलक्स प्रो है, और जो डीलक्स है वो 5,000 सस्ता रहेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा जो पाँच खरीदेगा इनको वो 5,000 रुपये के बारे में सोचेगा। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है, आप चाहें तो डीलक्स प्रो ले, आप चाहें तो डीलक्स ले। मैं डिफरेंस भी बता दूंगा इस वीडियो में, टोटली इसका सब कुछ बता दूंगा कि क्या कैसा क्यों है। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये खड़ा है अपना डीलक्स प्रो एंड दिस वन इज़ डीलक्स, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक पे। तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह की रहने वाली है दोस्तों। टायर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, MRF के टायर्स है, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, MRF के ही टायर्स है। एंड उसके साथ साथ अगर अगले रिम की बात करें तो आगे जो रिम है वो दिया गया है आपको 19 इंच का, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ रहता है। उस तरफ चेक कर लेते हैं इसका साइज़। जी 19 इंच का, ये देखो देखने से ही पता चल जाता है 19 इंच का है, 100x90 का साइज़ है। कूल, काफ़ी चौड़ा है, छोटा नहीं है। बाकी जो वेरिएंट्स इसी सेगमेंट में आते हैं उनका जो अगला टायर होता है वो 90 रहता है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक्स दी गई है, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, काफ़ी स्टडी लग रहे हैं। एंड उसके साथ साथ ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लाइट फ्लैशर भी दिया गया है, निसिन की ब्रेक्स है, डुअल चैनल ABS है। चलिए अब आ जाते हैं इसकी फिनिश पे। यार बहुत ही ज़्यादा फील अच्छा आ रहा है, प्रीमियम फील आ रहा है। ऑब्वियसली जब बिग विंग में ये मिल रहा है तो फिर प्रीमियम तो इसे रखना बनता है, प्लस योर हाइनेस है भाई। अब आ जाते हैं इसके मड गार्ड की तरफ। मड गार्ड जो है मेटल का है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बताऊँ, इसे प्रेस कर रहा हूँ मैं, प्रेस नहीं हो रहा है ये। मतलब ज़्यादातर कोई भी ब्रांड होगा ना, आप उसके टिप में जाना और टिप पे प्रेस करके देखना, प्रेस हो जाता है, ये नहीं हो रहा। ये टोटली मेटल का है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे CB350, जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। हॉर्न डीलक्स और डीलक्स प्रो में, जैसा कि आपको बताया था, साथ साथ में डिफरेंसेस बताता रहूँगा। तो यहाँ पे जो डीलक्स है, ये डीलक्स वेरियंट है, इसमें एक ही हॉर्न मिलता है, डुअल नहीं मिलता। प्लस उसमें क्रोम की प्लेटिंग भी नहीं होती। क्या बोल रहे हो, डीलक्स प्रो का दिखा दो। लो, ये है डीलक्स प्रो का। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें आपको क्रोम की प्लेटिंग मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं क्रोम की प्लेटिंग, जो कि बहुत अच्छी लगती है। प्लस दो हॉर्न मिलने वाले, 1 और 2 दिख रहे होंगे आपको। अगर सिर्फ LED सेटअप की बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं आपको हेलोजन, और यहाँ पे मिलने वाला आपको टोटली LED सेटअप विद DRLs। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा नाइट व्यू होगा। जब मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको इसकी थ्रो दिखाया जाएगा, इसकी लाइट का, और इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त लग रहे कि नहीं। जो आपका जो डीलक्स स्टैंडर्ड वाला वर्जन है, यहाँ पे जो 5,000 रुपये कम रहने वाला है, उसमें आपको सिंगल टोन कलर मिलता है, जैसा कि ये है, ठीक है। ये तो ग्लॉस है, इसमें भी मैट मिल जाएगा आपको, बट सिंगल टोन ही मिलने वाला है। और एक बार यहाँ पे ये भी देख लीजिए, योर हाइनेस लिखा हुआ, हाइनेस लिखा हुआ है, बस यह तो मैं वैसे ही लगा दे रहा हूँ, और बाकी CB350 है। एंड चलते हैं अब डीलक्स प्रो की तरफ।
सो जैसा कि मैंने कहा था, आपको मिलेगा टैंक में डुअल टोन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रे एंड लाइट ग्रेइश टाइप दो कलर्स आपको दिख रहे होंगे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देख लीजिए, हाइनेस CB350 लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। ये है इसकी एक रेयर लुक। आ जाते हैं इसके टायर पे, तो पीछे भी मिलने वाले हैं MRF के टायर। साइज़ अगर आपको बताऊं तो रहने वाला है 130x70 का साइज़, 18 इंच के अलॉय इसमें आपको मिलने वाले हैं, कि जो कि है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। ट्यूबलेस टायर्स रहने वाले हैं, पीछे भी डिस्क है जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ। मिलेगा आपको डुअल चैनल ABS, उसके साथ साथ एग्जॉस्ट की आवाज़ भी आपको बाद में सुनाएंगे। अभी आप लुक देख लो भैया, पीछे से किस तरह की लुक आती है इसकी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये देख पा रहे होंगे आपको लाइट रिफ्लेक्टर, और ये देखो यार टेल लाइट और इंडिकेटर्स की लुक देखो क्या ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ ये जो क्रोम दिया गया है ना इस पर मडगार्ड पे, बहुत ही ज़्यादा एक रेट्रो क्लासिक लुक देता है। और यहाँ पे मिल दे दिया है आपको होंडा की ब्रांडिंग सारी गार्ड। जी हाँ, ये जो सारी गार्ड है ना, एक जो डेली कम्यूटर बंदा होगा ना, डेली ऑफिस जाने वाला बाइक में, वो समझ सकता है इसकी क्या वैल्यू रहती है। यहाँ पे आप शॉकर्स देख पा रहे होंगे, मोनो शॉक नहीं है, डबल शॉकर्स मिल रहे हैं आपको, डुअल मिल रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। चलिए गड्ढों वड्डों की तो टेंशन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ। अच्छा, एक और डिफरेंस जो आप सब जानना चाहेंगे इसमें और उसमें, वो है कि इसमें जो है आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ। जी हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी आपको डीलक्स प्रो में, जहाँ की आपको डीलक्स वाले वर्जन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। हाँ जी, तो मोटो व्लॉगर्स, कुछ ऐसा व्यू आने वाला है आपका जब आप इसे लेह लद्दाख लेके जाएंगे। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी ग्रिप देखो यार, काफ़ी अच्छी ग्रिप है। बार एंड्स देखो, बार एंड्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। उसके बाद ये टॉगलिंग के लिए होता है, अप डाउन बैक एंड एंटर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका हॉर्न का बटन, देन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, और ये पास लाइट तो रह ही गई। यहाँ पे आपको पास लाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बाकी यहाँ पे मिल जाएगा आपको होंडा का लोगो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे देखो भैया, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो पहले सुपर बाइक्स में ही आया करती थी, अब इन्होंने इसमें भी दे दी है, ये है पहले से किल स्विच ऑफ़, ये किल स्विच ऑन। उसके बाद एक और बार प्रेस करोगे तो आपका जो बाइक है वो हो जाएगा स्टार्ट। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हैजार्ड लाइट, यानी आपके सारे जो इंडिकेटर्स है वो चलने लगेंगे एक साथ। ढंग से तो भैया लास्ट में सुनाऊंगा इसके एग्जॉस्ट की आवाज़, अभी ऐसे ही सुन लो, उसके बाद एंड तक देखना वीडियो, एंड में ज़बरदस्त आवाज़ लगाऊंगा इसकी। इसके अगर हम क्लस्टर की तरफ देखें ना, ये वाला एरिया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रल दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, फ्यूल इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हाई स्पीड किलोमीटर पर आवर जो होता है आपका वो दिखाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद साइड स्टैंड इंडिकेट करता है, डिपर इंडिकेट करता है, आपका मैल फंक्शन, ईको मोड, ABS, न्यूट्रल, मतलब काफ़ी अच्छा दिया गया। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया क्लासिक लुक दी गई है तो इसको बिल्कुल क्लासिक और रेट्रो ही रखा गया है। क्लासिक रेट्रो सिर्फ लुक के मामले में, बाकी सारी जो इसमें ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब कुछ दी गई है। अगर इंजन की फिनिशिंग के बारे में बात की जाए ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। आप खुद देखो यार, उसके बाद खुद फैसला करो, क्या ज़बरदस्त यहाँ पे क्रोम कट्स दिए गए हैं, फिर से ब्लैक रखा गया है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे होंडा लिखा हुआ आता है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। जो सीट्स होती है ना किसी भी बाइक की, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, क्योंकि यार कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है ऐसी बाइक्स में, जो कि एक डेली कम्यूटर भी होती है, क्रूज़र भी होती है, मतलब एक ऑलराउंडर बाइक अगर आपको बनाना है ना, तो आपको कंफर्ट लेवल होना चाहिए, प्लस उसकी सीट हाइट ऐसी होनी चाहिए कि बंदा जब बैठे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोस्चर आए। तो सबसे पहले इस पर बैठ के दिखाते हैं कि हमें बैठ के कैसा लग रहा है। सो मेरी हाइट जो रहने वाली है वो है 6'3", तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक टॉल बंदे के लिए कैसी रहेगी ये सिटिंग पोजिशन। चेक दिस आउट, अभी मैं जो हूँ प्रो इसमें बैठा हूँ डीलक्स वाले में, आगे डीलक्स प्रो है उस पर भी बैठ के दिखा दूंगा। हालांकि दोनों की सेम हाइट है और सेम है बाहर से, सो कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी कई लोगों की डिमांड रहती है तो बैठ के दिखा दूंगा उसमें भी। सो यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ, काफ़ी अपराइट पोजीशन है इसकी, ठीक है, मतलब लगता है इट्स
समवॉट रॉयल, जी हाँ हाईनेस वाली फीलिंग आती है इसमें, उस पर भी बैठ ही जाते हैं तो कई लोग बोलेंगे यार उस पर बैठ के नहीं दिखाया। अपराइट पोजीशन है जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, हैंडल बार पे जो ग्रिप्स है वो भी काफ़ी अच्छी काफ़ी कम्फी दिए गए हैं, मतलब मैं चलाऊंगा तो ऐसे चलाऊंगा, कूल मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही बीइंग अ 6'3" गाय। बाकी तो असली पता तो तब चलेगा जब इसे राइड रिव्यू हम देंगे, वो भी बहुत जल्दी आएगा, बट उससे पहले हमें चाहिए इसमें बहुत सारा प्यार, उसके बाद मिलेगा आपको राइड रिव्यू। चलिए अब थोड़ी जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती है उसकी बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या टॉर्क रहने वाली है, क्या पावर रहने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है एक जनरल चीज़ें होती है जो किसी भी वेबसाइट में मिल जाती है, बट फिर भी एक बार आपको शो कर देते हैं। इस तरह के बाइक्स का जो एग्जॉस्ट होता है ना, जिसका एग्जॉस्ट नोट होती है, इसके साइलेंसर की आवाज़ होती है, ये लोगों के बहुत ज़्यादा दिमाग में होती है कि भैया इसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। और आप सभी को पता है जो आजकल नए BS6 मॉडल्स आ रहे हैं उसमें जो होती है एग्जॉस्ट की आवाज़ बिल्कुल ही कम कर दी गई है। सो लेट्स चेक इसकी कैसी है। सबसे पहले आइडल रखते हैं एंड आइडल के बाद आपको थोड़ा सा रेव करके दिखाते हैं, आ जाओ। और माइक भी इधर ही छोड़ देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने जो हेडफोन है या फिर आपके पास एयरफोन्स है वो लगवा लीजिए ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए कि किस तरह की इसकी एग्जैक्ट आवाज़ है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा एंड आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे जितना आप मेरी बाकी वीडियो को देते हैं। सो एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो हमारा दूसरा चैनल है सिंग लाइफ, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी प्यार दीजिए। और बाकी अगर इसके बारे में CB350 के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और क्या होता है ना यार, जो नए वीडियोज़ होते हैं ना उसमें अगर आप जल्दी जल्दी कमेंट करते हो ना तो मुझे जल्दी जल्दी नोटिफाई करता है यूट्यूब, सो मैं भी जल्दी जल्दी उसमें रिप्लाई करता हूँ। अगर आप बहुत किसी पुरानी वीडियो में कमेंट करेंगे सो उसमें मेरे को भी नोटिफिकेशन नहीं आती। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपकी क्वेरी होती है जैसे ही आप वीडियो देखें वैसे ही लाइक करें एंड वैसे ही कमेंट कर दिया करें, तो उससे क्या होगा मुझे फटाफट नोटिफिकेशन आ गई, मैं आपका जो भी डाउट है उसे फटाफट क्लियर कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम तो है engineer.seng। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।